हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीएम रेसिपी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ब्रेड स्टोर करने का बेस्ट तरीका बताऊंगी। अगर हम लोग ब्रेड लाते हैं और रेसिपी बना के खा लेते हैं तो दो चार ब्रेड हमारे पास बच ही जाते हैं, तो उसको हम या तो यूज करते हैं या खराब होने के कारण उसे हम फेंक देते हैं। आज देखने के वीडियो को आप लोग कभी भी ब्रेड नहीं फेंकेंगे। आज बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड, इसे मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है दरदरा। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमें दरदरा ग्राइंड करना है, जिस तरह आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें गैस को रखना है। अब इसमें मैं ब्रेड को ऐसे ही डाल दूंगी। इसमें घी तेल हमें नहीं डालना है, बस ब्रेड को ही ऐसे डालकर हमें 1 से 2 मिनट तक हमें ऐसे रोस्ट करना है। ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो 1 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रोस्ट कर लेती हूँ। ब्रेड मैंने रोस्ट कर लिया है, इसमें की नमी ख़त्म हो गई है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। रूम टेम्परेचर आने तक इसका मैं वेट कर लूँगी। उसके बाद एक कंटेनर में इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में लंबे समय तक लिए। जब तक जब आपको कोई स्नैक्स रेसिपी बनाना है तो आप उसमें इस ब्रेड को लगा करके बना सकते हैं। आपकी क्रिस्पी रेसिपी एकदम बनेगी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा तरीका है ब्रेड को स्टोर करने का। तो फ्रेंड्स, यह दी गई जानकारी अगर आप लोग को मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर